Hey everyone, good evening. तो आज हम प्यारे के साथ उसकी साफ सफाई करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है, तो उसकी साफ सफाई करेंगे, उसको नहलाएंगे और साथ में इसमें कुछ स्टोरीज बनेंगी। तो चलिए आपको स्टोरीज दिखाते हैं, थोड़े मजे दिलाते हैं, टाइम पास कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी रैपिंग करनी है और थोड़ा अलग करना है, तो अच्छी चीज है, देखते हैं। के मुख्य पात्र ये है, बाकी सारे पात्र काल्पनिक हैं जिनका वास्तविकता से लेना देना कुछ भी नहीं है और सारे पात्र महामारी मुक्त हैं। मेरे बहुत ज्यादा मिट्टी गंदगी जमी हुई थी और ऊपर अपर सरफेस पे भी हर तरफ सफाई करना जरूरी है। तो ये आ गई हमारी प्यारी, यहाँ पे एकदम नहा धो के तैयार है, अब इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाइक हमारी नहीं ऑन हुई है 13 डेज। तो अब इसे ऑन करते हैं, वार्म अप करते हैं और एक बार एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देते हैं और फिर इसके बाद इसके लुक को थोड़ा चेंज करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसकी प्यारी सी आवाज सुन लीजिए। अब करते हैं इन्हें स्टार्ट आपके सामने। मार दिया जाए सेल्फ। ओके, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। ओ, थोड़ा पानी चला गया। अब हमें इसे चोक पे ले करके थोड़ी देर इसको वार्म अप कर लिया जाए, उसके बाद हम फिर से इसको रेव करके आपको सुनाते हैं। जब भी इंजन स्टार्ट आप करो तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, ये ज्ञान दे रहे हैं हम कि अगर इंजन वार्म अप नहीं है, गर्म नहीं है थोड़ा सा भी, तो उसे डायरेक्टली रेव ना करें, पहले उसको थोड़ा गर्म कर दे, प्रॉपर इंजन ऑयल इंजन के अंदर सर्कुलेट कर जाए उसके बाद आप रेव करें, उससे पहले ना करें क्योंकि इंजन को वो हार्म पहुंचाता है जब आप डायरेक्टली स्टार्ट किया और कर दिया तो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो लॉकडाउन के वक्त घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ खुराफात किया जाए, तो खुराफात में हम क्या करने वाले हैं कि इसको ओपन करने वाले हैं इस स्क्रू ड्राइवर से और साथ में विंडशीट को ओपन करने वाले हैं अपने, और उसमें वो टूटा हुआ विंडशीट जो है उसको लगाने वाले हैं चिपका करके, उसमें व्रैप करके और इसमें व्रैप करके, क्योंकि दोनों ही टूटे हुए हैं और दोनों को चिपकाया जाएगा और फिर उसके बाद उसको छिपाने के लिए व्रैप किया जाएगा। तो व्रैप करके देखेंगे अपने बाइक अपने प्यारे का नया लुक नए अवतार में।
एंड द फाइनल रिजल्ट इज दिस। तो अब होता है ये वाला स्टोरी का एंड, और चलिए अब दिखाते हैं हम आपको बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन की कुछ क्लिप्स, जिसमें दूसरी स्टोरी एक बनती है और इस रैपिंग से ही रिलेटेड है। तो जाइए एंजॉय कीजिए। तो अब ये स्टेबल की लास्ट बची हुई है रैपिंग जो हमने कट कर ली है, और इसे अब इंस्टॉल करेंगे इस पे और आपको लगा करके दिखाते हैं, फिर फाइनल जो इसका रिजल्ट आता है वो देखने में आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो ये हो गया है हमारा काउंटर टेबल गेस्ट हाउस का कंप्लीट, जो दिखता है कुछ ऐसा। और यहाँ पे ये जो दो पिलर्स हैं दोनों साइड में मेरे, उसमें लगने वाली है रेड लाइट। अभी फिलहाल में लॉकडाउन की वजह से लाइट ना होने के कारण अब तक नहीं लग पाई है, तो इन फ्यूचर हम इसमें लाइट लगाने के बाद भी आपको दिखा देंगे। और आप हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है यह लाइट, और साथ में ये टेबल पे चिपकाया गया वॉलपेपर जो मैंने खुद से चिपकाया, ये अमेजोन पे मिल जाता है। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको जहां से परचेज करना है उसकी। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल वॉच मी इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योर लाइफ, चर्च रियो अलविदा। और नेक्स्ट जो व्लॉग आने वाली है वो इसके रिलेटेड आने वाली, इस वाले वॉल पे थोड़ी बहुत कलाकारी की जाएगी, मतलब वॉलपेपर इस पे भी चिपकाया जाएगा, और इसी का वीडियो आने वाला है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो, मेहनत लगी है कर दो।